देखिए एक बोल रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल ये वाला आया था सीबीएसई में। ओके, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी प्रोड्यूस प्रूव दैट द एसी स्क्वायर इक्वल टू, ओके इसका फिगर दिया 6.58। ओके, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस टू बीसी टू बीडी। ओके देखिए एलएचएस से चलिए करते हैं, इसका फिगर थोड़ा बाहर बनाइए आपका। ओके, बाहर में थोड़ा फिगर बनाइए। एग्जाम में तुम बोलोगे सर बुक में तो दिया है फिगर, आप क्यों पीछे बनाएंगे? क्वेश्चन में तो फिगर दिया तो क्यों बनाएंगे? तो बनाना पड़ेगा भाई, ये तो मार्क्स काट देते हैं। ओके, ये है और ये डी है, ये बी है और ऐसे। देखिए करते हैं शुरुआत। क्या हो गया? गिवन दे दीजिए, लिख दीजिए गिवन। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीबीएसई क्वेश्चन है बच्चों। गिवन एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, गिवन एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी जो है बीसी से परपेंडिकुलर है और हमें टू प्रूव करना है। टू प्रूव करना है क्या है? रेसी स्क्वायर जो है, एसी स्क्वायर जो है एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस टू बीसी इंटू बीडी। बच्चों ये गिवन है कि ये परपेंडिकुलर एडी जो है बीसी से परपेंडिकुलर है। ओके, अगेन ये अब टू प्रूव करना है कि योर एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस टू बीसी टू बीडी। ओके, देखिए इसका प्रूफ देखिए, एलएचएस से चलता है बच्चों। अच्छा बोले एसी स्क्वायर का पाइथागोरस बोलिए। एटी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर वेरी गुड, एसी स्क्वायर का पाइथागोरस हुआ एटी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। ओके, योर एसी स्क्वायर इक्वल टू एटी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। डीसी को ब्रेकअप कीजिए, हम लोग एटी प्लस एलएचएस डीसी लेफ्ट हैंड साइड से गए बच्चों। ओके, एडी को ब्रेक क्या हो जाएगा सर? ए डीसी को ब्रेक होगा, डीसी को क्या ब्रेक होगा? बीडी प्लस बीसी, डीसी बीडी प्लस बीसी का क्या होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर डालिए बच्चों। में पहला एसी स्क्वायर का फॉर्मूला डाला, एसी स्क्वायर हुआ एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, डीसी को ब्रेक हुआ बीडी प्लस बीसी, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू। आगे थोड़ा देखो क्या प्रूव करना उसको देखो। हमें ए बी स्क्वायर को हमें बी सी ए बी स्क्वायर चाहिए। अब बच्चों प्रूफ का देखो, ए बी स्क्वायर चाहिए, प्रूफ में मेरा ए बी है। पहला मैं क्या क्या एलएचएस से गया, एसी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, डी सी को ब्रेक किया बी डी प्लस बी सी, उसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर डाल दिया। लेकिन हमारा प्रूफ में क्या चाहिए मुझे? ए बी स्क्वायर चाहिए। देखो ए बी स्क्वायर आएगा कैसे? ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर क्या होगा बच्चों? मुझे प्रूफ में चाहिए। स्क्वायर हाँ, तो ए डी और बी डी को एक पास रखिए, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर को एक पास रखिए, या आप ऑलरेडी है पास में। ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का मतलब क्या लिखिए? ए बी स्क्वायर। देखिए हमारा प्रूफ में जो चाहिए वही देखिए, हम प्रूफ में ए बी स्क्वायर चाहिए। ए बी स्क्वायर का मतलब में क्या लिखिए? ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर भी मेरा प्रूफ में ए बी स्क्वायर चाहिए, तो ए बी स्क्वायर कहाँ से आएगा? ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओके, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का मतलब में क्या लिखिए? ए बी स्क्वायर प्लस कितना? बी सी स्क्वायर प्लस टू बी डी इंटू बी सी। क्या प्रूफ हुआ? अच्छा प्रूफ हुआ, यस सर हो गया। हो गया तो क्या करें? एसी स्क्वायर के एडी ए प्रूव बहुत इजी था। एसी स्क्वायर इक्वल एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, सॉरी एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, डीसी का ब्रेक हुआ बीडी प्लस डीसी का होल स्क्वायर डाल दिया। फिर फाइनली हमें प्रूफ में एबी स्क्वायर चाहिए,
ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का मतलब ए डी स्क्वायर लिखते हैं। कूल बहुत ही था, ये एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन आया था। ये जैसा हुआ डिट्टो होगा सेकंड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक क्वेश्चन दिया है कि ये गिवन लिख दीजिए, योर एडी परपेंडिकुलर किसे, बीसी अगर गिवन है एडी परपेंडिकुलर बीसी, टू क्या करना है, रेसिस का जो है जो एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर माइनस टू बी सी टू बी डी। एडी परपेंडिकुलर का बी सी है, टू प्रूव करना है तो एस स्क्वायर जो है ओके एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर माइनस टू बी सी टू बी डी। देखिए पहला एल एच से जाइए, एस स्क्वायर से जाइए, ओके LHS फिर एस स्क्वायर देखिए, एस स्क्वायर का पाइथागोरस बोले क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वेरी गुड, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके डीसी को क्या कीजिए, ये डीसी के माइनस बीडी का होल स्क्वायर, हां वेरी गुड, ये डीसी के बदले में क्या लिखिए आपका, ये जो डीसी है ना ये डीसी का मतलब क्या लिखिए, पूरा बीसी में क्या माइनस करने से आएगा डीसी, पूरा बीसी में बीडी को माइनस कर देने से डीसी आएगा, तो डीसी के मतलब में लिखिए आप, ये जो डीसी के मतलब क्या लिखिए, पूरा बीसी मैं क्या माइनस कर देंगे बीडी। ओके हमारा जो फॉर्मूला है ये डीसी के बदले में क्या लिखेंगे, डीसी जो है पूरा बीसी माइनस बीडी, समझे बच्चों व्हाट इज द डीसी, पूरा बीसी में अगर हम बीडी निकाल देते हैं ये डीसी आता है, तो बीसी माइनस BC माइनस BD इक्वल टू DC, उसका तो A माइनस B का होल स्क्वायर डाल दीजिए, A माइनस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये हाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अच्छा आप बच्चों चेक कीजिए क्या प्रूफ करना है, बच्चे आप प्रूफ में ए बी स्क्वायर चाहिए, ए बी स्क्वायर कैसे आएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओके एक काम कीजिए, ये ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर के मतलब क्या लिखिए, ए बी स्क्वायर, ओके देन ये बी सी स्क्वायर माइनस टू बी सी। देखिए हमारा प्रूव आया कि नहीं, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इंटू बी डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ऑप्शनल का ऑप्शनल, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, ये बोल रहा है कि ये क्यूपीआर ट्रायंगल में हाँ PS इज द एंगल बाइसेक्टर, PS जो है एंगल को बाइसेक्ट करता है, देन हमें प्रूव करना है QS में SR इक्वल टू PQ बाय PR। ये एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन देता है, इसके एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन कोई एंट्रेंस में भी गिरता है ये वाला क्वेश्चन। ओके सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन क्या ऐसा करता है, देखिए अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, सपोज ये ABC ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है और सपोज ये एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये थ्योरम अभी हम प्रूव करेंगे, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, ओके सपोज ये डी है, तो बच्चे इसका थ्योरम ये आएगा
AB by AC equal to BD by DC. AB by AC equal क्या आएगा? BD by क्या? DC. अच्छा बच्चों ऐसा भी होगा, BD by DC equal क्या होगा बोलो? BD by DC equal क्या होगा? BD by DC equal AB by AC आएगा, ठीक है? BD by DC equal AB by AC आएगा. अच्छा बोलो DC by BD क्या होगा? DC by BD क्या होगा? तो DC by BD होगा, AC by AB आएगा. DC by BD क्या होगा? DC by BD क्या होगा? AC by AB आएगा. ओके ओके. अच्छा बोलो AC by AB क्या आएगा? AC by AB क्या आएगा? DC by BD. हाँ, AC by AB आएगा, DC by BD आएगा, ठीक है? अच्छा फिलहाल हमारा AB by AC कर DC BD by DC. सपोज ये तुम्हारा दिया है, सपोज ये 4 सेम दिया है और ये 5 सेम दिया है. ओके अगर ये तुम्हारा दिया है 8, ये तुम्हारा दिया है तुम्हारा ये 3 सेम, ये 3 सेम दिया है, ये 7 सेम दिया है. ओके ये थोड़ा गलत है, हमारा एक ट्रायंगल का रूल से दशाओं में तो 2 साइड का डर थर्ड साइड होना जरूरी है. कौन बात बात से किया थोड़ा देखो, ऐसा मत करो थोड़ा. ओके अच्छा देखो ये सपोज सॉरी या ये एक्स पूछा है, ये 4 से 5 से दिया 3 दिया एक्स पूछा है, व्हाट इज द डीसी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डीसी होगा बोलो. वो बोला ए बी अगर 4 से में ए सी अगर 5 से में बी डी अगर 3 से व्हाट इज द डीसी और ये एंगल बाईसेक्टर दिया है. तो बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या होगा? AB by AC that is 4 by 5 equal to 3 by x. ये 1 mark exam आता है. तो इतना क्या होता है? तो 4x equal to 15 by 4. x equal to 15 by 4 सेम आएगा. सपोज़ तो ये दिया कोई एक तो ये चारों में एक तो नहीं देगा, बाकी पूछेगा और ये एंगल बाईसेक्टर दोगा. ओके तो ये बोला समझे बच्चों एंगल बाईसेक्टर थ्योरम. AB by AC इक्वल क्या होगा? BD by DC. तो AC by AB क्या होगा? DC by BD. BD by DC क्या होगा? AB by AC. इसे एंगल बाईसेक्टर थ्योरम कहते हैं. इस पर आरडी शर्मा में ये तो थ्योरम है. ओके तो बच्चों फिलहाल हमें ये प्रूव करना है. सर हाँ बोलो वाला है, थोड़ा सा दिखा दीजिए पहले वाला. इवान मार क्वेश्चन आता है. ये सर हो रहा थोड़ा सा. ये बोलेगा फाइंड एक्स. ये सर हो गया. देखिए इस बार हम प्रूव करेंगे ये वाला क्वेश्चन. तो गिवन लिखिए, गिवन क्या लिखिए? पीएस. ये गिवन में लिखिए पीएस जो है bisect angle QPR and angle P. तो PA जो है angle P को bisect करता है. To prove क्या करना है? Okay, to prove को इधर थोड़ा लिखिए क्योंकि वहाँ पर construction होगा. ये ऊपर ऐसा ऐसे ऊपर construction को triangle को नीचे लिखिए. Okay, to prove करना है your QS by SR, QS by SR. अगर QS by SR हुआ तो PQ by PR होगा. ये प्रूव करना है. ओके यह कंस्ट्रक्शन है. कंस्ट्रक्शन ये है. यह कंस्ट्रक्शन ये है कि प्रोड्यूस PQ. कॉन्स्ट्रक्शन ये प्रोड्यूस क्यूपी, प्रोड्यूस क्यूपी अप टू कुछ भी नाम दे दीजिए. कॉन्स्ट्रक्शन है प्रोड्यूस क्यूपी अप टू टी.
so that your PR equal to PT. या कंस्ट्रक्शन ये करना है कि कंस्ट्रक्शन ये करना है कि प्रोड्यूस क्यू पी कंस्ट्रक्शन ये करना है प्रोड्यूस क्यू पी अप टू आर Produce QP up to T so that if QP equal to your PT. Produce QP up to T so that produce QP up to T so that QP equal to your PT equal to PR. यात्रा construction याद रखने आपको कंस्ट्रक्शन याद नहीं रहता प्रोड्यूस क्यूपी अप टू सर दैट योर पीटी इक्वल पीआर पीटी इक्वल पीआर ओके प्रूफ बस इसका प्रूफ मैं समझाऊंगा उसके बाद करूंगा ओके बच्चे इधर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ये वाला होगा बीपीटी में बच्चे होगा ओके अगर तुम इसको प्रूव कर दिए ये इसका पार्लल है बच्चों अगर तुम प्रूव कर दिए पीएस एसपी पार्लल टू क्या आरटी अगर प्रूव कर दिए तो तुम्हारा जो प्रूफ था क्यूएस बाय एसआर इक्वल टू क्यूपी बाय पीटी बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और पीटी का मतलब पीआर लिख दोगे क्योंकि पीटी इक्वल पीआर कंस्ट्रक्शन है तो हमें ये प्रूव करना है कि ये पी एस एस पी पार्लर टू आर टी पहले प्रूव करना है एस पी पार्लर टू आर टी पहले प्रूव करना है अगर वो प्रूव होगा तो बीपीटी हमारा क्या है बीपीटी हमारा क्यू एस बाय एस आर इक्वल टू क्यू पी बाय पी टी फिर बाद में पी टी के अंदर क्या लिखेंगे पी आर ये पी टी जो है पी आर बाय कंस्ट्रक्शन ओके प्रोड्यूस क्यू पी अप टू टी सो दैट पी टी इक्वल पी आर फायदे ये पार्लल कैसे करेंगे इन दोनों को पार्लल देखो तुम्हारा ये एंगल वन इक्वल टू एंगल टू भी वन टू लिख दीजिए एंगल वन इक्वल एंगल टू क्यू इक्वल होगा एक बात बोले एंगल वन इक्वल एंगल टू क्यू इक्वल होगा हाँ ऐसे सुनो ट्रायंगल इसको हम कंस्ट्रक्शन किए ना कंस्ट्रक्शन किए पी टी इक्वल टू पी आर पहले बच्चे समझाऊंगा उसके बाद देखे तुम्हें ये प्रूव करवाऊंगा ओके पहले हमें कंस्ट्रक्शन के प्रोड्यूस क्यूपी अप टू टी सो दैट पीटी इक्वल टू पीआर जब ये दो साइड्स इक्वल है तो एंगल वन इक्वल एंगल टू होगा ठीक है अच्छा यहाँ पर तुम्हारा बच्चे एक काम कीजिए थोड़ा इसको वन टू मत लिखिए थोड़ा अलग लिख लीजिए और लिख लो कोई बात नहीं अच्छा वन टू लिख दो कोई बात इसका अलग से नाम देते मानस गारागरी मत थोड़ा मत करो मानस सर अगर पी के जगह वन देंगे तो आगे को देखो नेक्स्ट बात है देखो यहाँ पर ये थ्री फोर ले लीजिए अच्छा तुम्हारा थ्री इक्वल टू फोर दिया कि नहीं थ्री इक्वल टू फोर दिया क्योंकि पी एस एंगल को बाइसेक्ट करता है पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर है ओके पी एस जो है क्यू पी आर को बाइसेक्ट करता है तो थ्री इक्वल एंगल फोर दिया है तो जो तुम्हारा ये हमें पहला प्रूफ करना ये पार्लल बोल के पार्लल अगर हो गया तो बीपीटी डाल दोगे बीपीटी डालने से हमारे प्रूफ हो जाएगा अतः पार्लल कैसे बनेगा पहला बात है वन में समझा रहा हूँ एंगल वन जो है एंगल टू से इक्वल है क्योंकि दो साइड से इक्वल है कि कंस्ट्रक्शन अच्छा क्या टू इक्वल टू फोर होगा अगर तुम टू इक्वल टू फोर कर दो हो जाएगा अच्छा सुनिए एंगल वन टू से इक्वल है एंगल थ्री फोर से इक्वल है ओके अच्छा हमको सिर्फ टू आइदर वन इक्वल थ्री प्रूव करना है नहीं तो टू इक्वल टू फोर प्रूव करना है अगर वो हो जाएगा तो ये हो जाएगा टू इक्वल टू फोर एंगल थ्री नहीं तो वन भी इक्वल होने से हो जाएगा ये बाइसेक्टर दिया है
सर एंड हम ट्रायंगल का सर जो साइड निकला है सर वो 3 + 4 इज इक्वल टू 1 + 2। यस वेरी गुड वेरी गुड। बाय एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। ओके देखो, थैंक यू। ओके देखिए, ये तुम्हारा 3 + 4 जो है तो एक्सट्री एंगल ऑफ ट्रायंगल पता है, अगर ये 40 डिग्री होता है, अगर ये 60 डिग्री होता है तो एक्सट्री एंगल कितना होता है, ये 100 डिग्री आएगा। ओके तो एक्सटर्नल एंगल ऑफ द ट्रायंगल ऑफ प्रॉपर्टी होता है। ओके तो ये दोनों मिला के ये बनेगा। बच्चों तो पता है कि नहीं तुम लोग को, तो एक्सट्री एंगल सपोज ये ट्रायंगल है। ओके ये ट्रायंगल है, ये जो एक्सट्री एंगल जो है सपोज ये आपका 70 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, ये आपका 110 डिग्री बनेगा। तो एक्सट्री एंगल इक्वल टू, तो एक्सट्री एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके तो बच्चों यहाँ पर एंगल 3 + 4 जो है, एंगल 3 + 4 तो एक्सट्री एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके 3 + 4 इक्वल एंगल 1 इक्वल टू। अच्छा मैं 3 के बदले 4 लिख सकता हूँ, 3 के बदले 4 क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा एंगल 3 इक्वल एंगल 4 गिवन है बाई सेक्टर। अच्छा मैं 1 के बदले में 2 लिख सकता हूँ, 1 के बदले 2 क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारा गिवन एंगल 1 इक्वल टू ये आइसोसेलेस एंगल अपोजिट एंगल्स इक्वल, साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। इट ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ओके देन तुम्हारा एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 होगा। 4 इक्वल टू के कट जाएगा डिवाइड होके। अच्छा सुनिए, जब पार्लल होता है बच्चों, जब हमारा दो लाइन जब पार्लल होता है, जब दो लाइन हमारा पार्लल होता है तो ये दो लाइन पार्लल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2। सो कन्वर्स, जब पार्लल होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, उसका कन्वर्स जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है तो दो लाइन पार्लल होगा। इसी तरह जब दो लाइन पार्लल होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होता है, एंगल 2 इक्वल एंगल 3। सो कन्वर्स, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है देन दो लाइन पार्लल होता है। समझे बच्चों, जब दो लाइन पार्लल होता है कोइंटीरियर एंगल्स आर 180 होता है, 2 + 4 180। से कॉन्वर्स, जब कोइंटीरियर एंगल 180 होता है तो पार्लल होता है। फिलहाल हमारा क्या है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है इसीलिए दो लाइन पार्लल होगा। देखो यहाँ पर हम क्या किए, एंगल 4 इक्वल क्या हो गया, एंगल 2 हो गया। जब ऑल्टरनेट इंटर एंगल इक्वल हो गया देन एस टी पार्लर टू आर टी हो गया, एस टी पार्लर टू आर टी। जब एस टी पार्लर टू आर टी हो गया देन रिपीट डाल देंगे, क्यू एस में एस आर इक्वल टू क्यू पी बाई पी टी, बाद में पी टी के बदले पी आर लिख देंगे, यहाँ कंस्ट्रक्शन है, पी टी के बदले पी आर हो जाएगा। जब ये पार्लर हो जाएगा, जब ये पार्लल होगा एस पी पार्लल टू आर टी, जब पार्लल हो जाएगा बीपीटी डालेंगे, क्यू एस में एस आर इक्वल टू क्यू पी बाई पी टी, एंड ए पी टी के बदले क्या लिख देंगे, पी आर, मेरा प्रूव हो जाएगा। पार्लल बनेगा कैसे, पार्लल बनेगा तभी जब एंगल 2 इक्वल एंगल 4 होगा। एंगल 2 इक्वल एंगल 4 बनेगा कैसे, पहला लिखेंगे एंगल 3 + 4 इक्वल टू एंगल 1 + 2। एंगल 3 + 4 जो है एंगल 1 + 2। 3 के बदले में 4 लिख सकता हूँ क्योंकि दो एंगल इक्वल है। मैं 2 के बदले में 1, हाँ मेरा 1 के बदले में 2 लिख सकता हूँ क्योंकि मेरा ये दो साइड इक्वल है, तो साइड इक्वल अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो 1 के बदले में 2 लिख सकता हूँ। ट्वाइस ऑफ 4 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 होने बाद ये 2 डिवाइड 2 कर जाएगा, एंगल 4 इक्वल एंगल 2। सिंस द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एस पी पार्लर टू आर टी, जब एस पी पार्लर टू आर टी बीपीटी डालोगे, क्यू एस में एस आर इक्वल टू क्यू पी बाई पी टी, क्यू एस में एस आर इक्वल टू क्यू पी बाई पी टी, लेकिन मेरे पी आर चाहिए, देन पी टी के अंदर पी आर लिखोगे बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ कंस्ट्रक्शन याद रखना है, प्रोड्यूस क्यू पी अप टू टी सो दैट, प्रोड्यूस क्यू पी अप टू टी सो दैट योर पी हाँ पी टी इक्वल टू पी आर, ये कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों,
आपको यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन याद रखना है। चलिए इम्प्रूव करते हैं। तुम भी बच्चा अपना फिगर में 1 2 3 4 लिख लीजिए। डिड तो 1 2 3 4 है तो एग्जामिनर समझेगा 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है, 4 है। तुम भी अपना फिगर में 1 2 3 4 लिखिए। 1 2 3 4 ओके। तो लिखिए क्या करेंगे प्रूफ में। पहला कंस्ट्रक्शन हो गया, पहला लिखिए पीटी इक्वल पी आर है तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 होगा। पीटी इक्वल टू पी आर कंस्ट्रक्शन किए हैं बाय कंस्ट्रक्शन। पीटी इक्वल पी आर है बाय पीटी इक्वल पी आर है, पीटी इक्वल पी आर बाय कंस्ट्रक्शन एंगल 1 इक्वल एंगल 2 होगा बाय कंस्ट्रक्शन। ओके बाय कंस्ट्रक्शन पीटी इक्वल पी आर तो एंगल 2 किसे इक्वल होगा, एंगल 1। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो देखिए यहां पर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो तुम्हारा देखिए एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो गया। क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि साइड्स इक्वल था, पीटी इक्वल पी आर, जब साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गया। अच्छा नेक्स्ट, और एंगल 3 इक्वल एंगल 4 क्यों है, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 क्यों है, ये गिवन है। ओके एंगल 3 इक्वल एंगल 4 है गिवन है। 1 इक्वल टू क्यों है, साइड्स इक्वल है तो इसलिए अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। एंगल्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अभी बच्चे एक्सट्री एंगल ट्रायंगल लिखे, एंगल 3 + 4 इक्वल एंगल 1 + 2। एंगल 3 + 4 जो है एंगल 1 + 2 लिखिए बाय एक्सट्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, बाय एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। यहाँ पर भी सेम थिंग, एक्सट्री एंगल 3 + 4 जो है, जो एक्सट्री एंगल जो है, ओके तो 3 + 4 जो एक्सट्री एंगल जो है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, एंगल 1 + एंगल 2 होता है। अच्छा बच्चों मुझे क्या कहते, 3 के बदले 4 लिखिए,